आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। सीधे दिल से एक नागरिक, एक हिंदू, एक महिला, एक ब्राह्मण, एक भारतीय, एक इंसान के मन की बात। मोदी जी, 8 साल हो गए, पूरे 8 साल, जब आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब नवरात्रि और रोजों जैसे पवित्र समय में हनुमान मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है और आप अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यूपी का एक गरीब मासूम चूड़ी वाला तस्लीम सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर आकर हिंदूवादी भीड़ की हिंसा का शिकार होता है, पिटता भी है, जेल भी जाता है और आप चुप रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब एक कॉमेडियन बिना कोई अपराध किए महीने जेल में सड़ता है तो आपकी जुबान सिल जाती है। बताइए ना, कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब कर्नाटक में देश की बच्चियों को वो नहीं पहनने दिया जाता जो वो पहनना चाहती हैं और आप आंखें मूंदे किए रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब सैकड़ों लुच्चे लफंगों की भीड़ एक अकेली बुर्के वाली लड़की के पीछे दौड़ती है, चिल्लाती है, डराती है और आप बस देखते रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यति नरसिंहानंद जैसे दर्जनों भगवाधारी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब टीवी चैनल हल्दीराम की दुकान में घुसकर उर्दू और अरबी में लिखने को मसला बनाते रहते हैं। बताइए कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब आपके ही मंत्री खुलेआम देश के गद्दारों को गोली मारो, नहीं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगाते हैं और आप ऐसे ही दिखाते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, मेरे मन की बात पूरी नहीं हुई है, बताइए ना, प्लीज बताइए कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जब इंटरनेट पर सुल्ली डील बुल्ली डील के जरिए इस देश की महिलाओं की खुलेआम नीलामी लगती है। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब देश की राजधानी दिल्ली में बिना इजाजत के नफरत और जहर की शोबाजी होती है, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगते हैं और आप चुप रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब शहर शहर भगवाधारी मस्जिदों के सामने खड़े होकर भड़काऊ नारे लगाते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, दंगे भड़काते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब भगवा का चोला पहनकर खुद को महंत कहने वाला एक दानव खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात कहता है और आप खामोश रहते हैं। मोदी जी, 8 साल हो गए हैं, पूरे 8 साल, 8 साल में अब तक 800 ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो चुकी हैं और आपने अब तक चू तक नहीं की है। एक नागरिक होने के तौर पर मेरा दिल रोज तड़पता है, एक महिला होने के नाते मेरा रोम रोम रोज रोता है, एक हिंदू होने के तौर पर मैं रोज शर्मिंदा होती हूँ, एक ब्राह्मण होने के तौर पर तो मेरी आत्मा रोज तड़पती है, एक भारतीय होने के तौर पर मैं रोज कराती हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस देश की तबाही, इस देश के विनाश, मानवता के सर्वनाश से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है ना मोदी जी, पंडित नेहरू ने क्या कहा था, Who lives if India dies? Who lives if India dies? कौन जिंदा रहेगा, कौन बचेगा जब भारत ही नहीं बचेगा। इस बात को समझिए प्रधानमंत्री जी, भारत की आत्मा रो रही है, भारत का शरीर कराह रहा है, भारत के अंग प्रत्यंग लहूलुहान है, उन जख्मों को मरहम की जरूरत है, नमक की नहीं। आइए भारत के लिए आवाज उठाइए, भारत के शरीर भारत की आत्मा के लिए आवाज उठाइए, बोलिए बोलिए प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कीजिए मोदी जी, अपनी चुप्पी तोड़िए वरना कुर्सी छोड़िए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आएगा तो आप जानते हैं ये देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगा। सत्यमेव जयते।